बॉलीवुड में आप सभी ने कई सारे अभिनेता देखे होंगे जिनकी एक गलती ने उनकी शानदार करियर को बर्बाद करके रख दिया, जिसकी बदौलत आज भी वो अभिनेता काफी कुछ भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां भी हैं जिनकी एक गलती ने उनके पूरे के पूरे शानदार बॉलीवुड करियर को बर्बाद करके रख दिया। पर शायद ही आप उन अभिनेत्रियों को और उनके द्वारा की गई गलतियों के बारे में जानते होंगे, तो इसीलिए आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जिनकी एक गलती ने उनके सक्सेसफुल एक्टिंग करियर को तबाह करके रख दिया। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक पर है सोनाली बेंद्रे। बॉलीवुड की जानी मानी और प्यारी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के करियर बर्बाद होने के पीछे की वजह रही है इनकी शादी। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सोनाली बेंद्रे ने शादी की तो इन्होंने अपने करियर की जगह घर गृहस्थी संभालने का फैसला लिया, जो कि इनके करियर के खत्म होने की वजह है, क्योंकि जब से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है तभी से इनका करियर खत्म हो चुका है। नंबर दो पर है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी की अदायगी के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने रहे हैं, इसीलिए तो ये एक समय पर हर निर्देशक की चॉइस थी। लेकिन अपने फिल्मी सफर के दौरान इनका नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ने लगा, जिसके चलते जब ये खबरें सामने आई कि इन्होंने ड्रग डीलर विवेक गोस्वामी से शादी कर ली है, तब से इनके करियर पर फुल स्टॉप लग गया और इनका करियर पूरा का पूरा खराब हो गया। नंबर तीन पर है मनीषा कोइराला। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला की भी एक गलती ने उनके पूरे के पूरे करियर को तबाह करके रख दिया था, जिसमें आपको बता दें कि मनीषा कोइराला को अपने एक्टिंग करियर के दौरान ड्रग्स और शराब की लत लग गई थी, जिसके चलते ये नशे में इतनी ज्यादा चूर हो गई थी कि अपने एक्टिंग करियर पर फोकस नहीं कर पाई। इसी के साथ इन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो गई। यही वजह रही कि इनका शानदार एक्टिंग करियर मिट्टी में मिल गया। नंबर चार पर है तब्बू। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तब्बू की एक गलती की वजह से इनका करियर बर्बाद होने की कगार पर आ गया था, जहां पर आपको बता दें कि प्रेम फिल्म के दौरान जब इन्हें संजय कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया तो अपनी बहन फरहान नाज के भड़कने पर इन्होंने उस फिल्म को करने से मना कर दिया, जबकि इससे पहले ही ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, जिसमें ये लिखा था कि ये 5 सालों तक किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। जिसके बाद जब इन्होंने विजय पथ की शूटिंग स्टार्ट की तो ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद देवानंद साहब के कहने पर बोनी कपूर ने अपना केस वापस लिया और तब्बू को बोनी कपूर से माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद जाकर इनका करियर बर्बाद होने से बचा था। तो दोस्तों, क्या आप इन्हीं की तरह और अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं जिनकी एक गलती ने उनके करियर को बर्बाद किया? अगर हाँ तो आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।